विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। तो वहीं मुरादाबाद में इलेक्शन से पहले एक अलग ही मामला देखने को मिला है। आपको बताते चले कि जनपद मुरादाबाद में समाज सेवी दीपक चौधरी की हत्या के बाद अब उनकी पत्नी सरिता चौधरी ने कमान संभाल ली है। सरिता चौधरी के घर सैकड़ों बाइकें और कारों के काफिले एकत्रित हुए। इसके बाद उन्होंने पुतली घर से कुंदनपुर धक्का एकता कॉलोनी आरटीओ कोहिनूर तिराहा होते हुए गली नंबर 1 हाजी यूसुफ अंसारी पूर्व विधायक के आवास पर पहुंचे, जहां सरिता चौधरी और सभी समर्थकों का पूर्व विधायकों द्वारा पुरजोर पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। जानकारी देते हुए सरिता चौधरी ने कहा कि उनके मृतक पति की ये इच्छा थी कि समाजवादी पार्टी से विधायक टिकट के उम्मीदवार हाजी यूसुफ अंसारी को इलेक्शन में विजयी बनाया जाए, लेकिन अब वो नहीं रहे। आज उन्होंने सब लोगों को इसलिए इकट्ठा किया कि उनका नाम आगे हो और उनकी जो इच्छा थी वो पूरी हो सके। यदि हाजी यूसुफ अंसारी का टिकट होता है तो वे सब लोग उनके साथ हैं और उनको पूरा समर्थन करेंगे। ये हम यूसुफ अंसारी के यहाँ पर जा रहे हैं और ये जो भी तैयारी है सिर्फ मेरे हस्बैंड की तैयारी थी, सिर्फ उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए ये मैंने सब कुछ सब लोगों को इकट्ठा किया है, इसलिए ताकि उनका नाम आगे हो। और जिस लिए सब लोग खड़े हैं उसी मतलब अपनी इच्छा, सब अपनी अपनी इच्छाओं के लिए यहाँ पर खड़े हैं। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जैसा भी कुछ होता है हम हाजी यूसुफ अंसारी के लिए खड़े हैं, आज उन्हें ही जिताएंगे। अगर उनका पूरा समर्थन है इस इलेक्शन में तो हम उन्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे।